हाँ जी आज 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 हेलो हेलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और सलाम अलैका। ये ईद का दिन मॉर्निंग हो चुकी है, चांद रात गुजर चुकी है। मैं रात को एक चीज़ मैंने लगवाई यार, आपको यहीं पर दिखाता, चलो देख लीजिए। ये दाएं हाथ की चीची के ऊपर मैंने ये मेहंदी लगाई हल्की सी, तो सुन्नत तरीका भी है। बहरहाल तो अभी शुरुआत हो चुकी है जी पाकिस्तान में ईद वाले दिन की। मैं आपको इंशाल्लाह ताला आज मुकम्मल दिखाता हूँ ईद वाला दिन कैसा गुजर रहा है पाकिस्तान में जी। तो रेडी हो गए मैं ईद के लिए, तो अभी मस्जिद की तरफ रुख करते हैं। इमाम मस्जिद वैसे 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, और चलते हैं मस्जिद से कुछ आपको मनाज़र दिखा दूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो भी सुनते रहे पाकिस्तान में ईद यार क्या मज़े की गुजर रही है अभी तक, आगे देखते हैं जी। तो अभी ईद नमाज पढ़ कर निकले हैं, मस्जिद में इतना रश था कि कैमरा चलाया नहीं। एक क्लिप मैंने आपके साथ छोटा सा शेयर कर दिया है, और दूसरी बात चप्पलों के मतलब बहुत शोर था। अपनी अपनी जुतियाँ संभाल के रखो, पाकिस्तान से भी बड़ा ट्रेंड है यार। और इनके नाल एक और गल के जो इमाम मस्जिद थे वो बोल रहे थे कि पहले बंदों ने ईद दी है, बाद में बोल रहे थे कि 100-100 और इकट्ठा कर लो, 100-100 और इकट्ठा करके दो सारे। जारी सी बात है सऊदीया में ऐसे निज़ाम तो नहीं होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ईद तो पाकिस्तानी है, फिर इसी चीज़ की रौनक मेले होती है। ऊपर से बंदा काफ़ी अरसे बाद अगर पाकिस्तान में ईद करे, जैसा कि मैंने 10 साल के बाद की है, तो फिर और अजीब लगता है जी। तो रेडी हो गए मैं ईद के लिए, तो अभी मस्जिद की तरफ रुख करते हैं। इमाम मस्जिद वैसे 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, और चलते हैं मस्जिद से कुछ आपको मनाज़र दिखा दूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो भी सुनते रहे पाकिस्तान में ईद यार क्या मज़े की गुजर रही है अभी तक, आगे देखते हैं।